16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना के टीकाकरण अभियान की तैयारियों को एक बार फिर से परखने के लिए आज उत्तर प्रदेश में फाइनल ड्राई रन चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का ये तीसरा ड्राई रन होगा। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में 1500 टीकाकरण केंद्र और 3000 बूथ बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तीसरे और अंतिम ड्राई रन की निगरानी करेंगे। वे लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और सिद्धार्थनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। सीएम योगी टीकाकरण केंद्रों पर चल रहे ट्रायल के माध्यम से आगे की तैयारियों को भी परखेंगे। ड्राई रन के लिए लाभार्थियों को एक SMS भेजा गया है। मैसेज में उन्हें कहा किस टीकाकरण केंद्र पर कितने बजे पहुंचना है, इसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि तीसरी बार रिहर्सल करने वाली यूपी देश का पहला राज्य है। प्रदेश में इससे पहले 2 जनवरी को लखनऊ और फिर 5 जनवरी को प्रदेश भर में कोरोना टीकाकरण का ट्रायल किया जा चुका है। आज तीसरे और अंतिम ड्राई रन में करीब 20,000 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही पुलिस और दूसरे विभागों के कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर DS नेगी की ओर से सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पूर्वाभ्यास की पुख्ता तैयारी रखेंगे। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।